हेलो, गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं यार, बस अपने यहाँ गेट पर खड़ा हूँ और पोई वाले जो भैया हैं उनका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे को बोला था कि 7:30 AM पर वो गर्मा गर्म पोई लेकर यहाँ से बेल बजाते हुए जाते हैं, हॉर्न बजाते हुए अपनी साइकिल में। तो अभी तक तो मैंने सुना नहीं वो। और आगे भी एक दुकान है जहाँ पोई मिलती है, लेकिन वो भी नहीं खुली। आई थिंक गोवंस आर लेड बैक, थोड़े आराम से। तो उनका शायद, मेरे को लगता है कि अभी दिन शुरू हुआ नहीं है, बट मेरा शुरू हो गया था, क्योंकि लाइक आई सेड, आई वेंट ऑफ टू बेड वेरी अर्ली, 9 बजे मैं सो गया था। अब मैं वेट कर रहा था पोई का। अगर पोई मिल जाती तो कुछ ऑमलेट और पोई खाते, बिकॉज आई हैव एग्स। बट नेवरदलेस वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कितनी देर में आते हैं। तब तक चलते हैं अंदर एंड आई शुड फिक्स माई सेल्फ अ कॉफ़ी। तो जब आपके पास एक वेल इक्विप्ड किचन होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी अपने लिए कुछ भी बना सकते हो। सो आई एम सॉर्टिंग माई सेल्फ अ फ्राइड एग। तो भूख भी लगी गई है, तो मैं सोचा कॉफ़ी के साथ साथ क्यों ना कोई ब्रेकफास्ट भी बना लेते हैं। गोना ईट अ फ्राइड एग, गोना टोस्ट सम ब्रेड फॉर माई सेल्फ, और साथ में कॉफ़ी। और फ्रूट्स भी हैं जो मैंने कल खरीदे थे, वो भी ऑप्शन है। तो यार, मैं ना थोड़ी अपनी रिसर्च कर रहा था अबाउट थिंग्स टू डू हियर एंड क्या कर सकते हैं क्या नहीं, एंड आई फिगर आउट देर इज रियली नॉट मच टू डू इन द चोराओ आइलैंड। लाइक लिटरली कुछ 3-4 मंदिर हैं। एक चीज़ है कि इस जगह में मंदिर काफ़ी हैं, बिकॉज़ इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ हिंदू इन्फ्लुएंस, पोर्टुगीज प्लस हिंदू, तो उस वजह से मंदिर काफ़ी हैं। बाकी उसके अलावा प्रैक्टिकली कुछ यहाँ पर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आई मीन दे नॉट इवन अच्छे, तो क्या कोई डिसेंट रेस्टोरेंट, या फिर इनके पास दे डोंट हैव द सी, तो आपके पास कोई भी शैक्स वैक्स कुछ नहीं है। एक बस जो रिवर है उसमें आप बोटिंग कर सकते हो, दैट्स अबाउट इट, वरना कुछ भी नहीं है। तो अगर आप थोड़े बोर हो रहे हो, द बेस्ट यू कैन डू इज़ गो टू पैंजिम, विच आई थिंक आई माइट इन द इवनिंग एंड गो कैच अप ऑन अ फिल्म और समथिंग, बिकॉज इट्स बीन क्वाइट अ वाइल्ड। बाकी तो अब मैं, आई नेवर से नेवर, सो अब मैं यहाँ पर हूँ तो टाइम तो बिताना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अपने आप को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ में। बट गिविंग यू अ हेड्स अप दैट इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू डू नथिंग, देन कम टू द चोराओ आइलैंड, वरना मत आना। अगर आपको एक आइलैंड एक्सपीरियंस करना है, एट द सेम टाइम यू वॉन्ट एक्टिविटीज़ एंड थिंग्स टू डू, आई वुड सजेस्ट द दिवार आइलैंड, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन। अब मैं तो आ गया हूँ, इसको आप गलती तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक है, मैं उतना रिसर्च करके आया नहीं था, बट बींग द पर्सन दैट आई एम, आई फिगर्ड कल कल में कि आई जस्ट कांट स्टे इनडोर्स दैट मच, आई नीड समथिंग विद द अदर। तो देखते हैं, आफ्टरनून समबडी सजेस्टेड मी अ नाइस प्लेस फॉर अ फिश थाली, तो आउट ऑफ नाउ कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा दोपहर के लिए, शाम के लिए, वरना मैं इस जगह में बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगा। तो देखते हैं, ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर दिमाग लगाता हूँ कि क्या करना चाहिए। बट यार, दीवार आइलैंड इज़ अ बेटर ऑप्शन देन चोराओ आइलैंड, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है चोराओ आइलैंड पे, जो इज विच इज़ लाइक हाफ अ डे ट्रिप, आपको बोट में लेके जाते हैं, एंड इफ यू आर इनटू बर्ड्स, इनटू बर्ड वॉचिंग, देन यू कुड गिव दैट अ शॉट। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग हियर, नॉट ऑफ माई चॉइस एंड नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट, बट या दोज ऑफ यू हु लाइक बर्ड्स, हु लाइक बर्ड वॉचिंग, देन आपके लिए ये बहुत सही रहेगा। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकल गया एक वॉक पे। मैंने सोचा ज़रा आसपास देखूं, हो सकता है गूगल गलत बता रहा हो, शायद मुझे कुछ इंटरेस्ट का दिख जाए, और वो थाली वाली प्लेस भी थोड़ी फिगर आउट करनी थी। तो आसपास आपके पास कुछ खास करने के लिए है नहीं, एक पॉन्ड है विच इज़ अगेन अबाउट 30 मिनट्स अवे, विच मेक्स नो सेंस, आई रादर टेक द फेरी एंड गो टूवर्ड्स पैंजिम एंड डू समथिंग इंटरेस्टिंग देयर। तो कुछ खास है नहीं, बट नेवरदलेस वी विल फाइंड समथिंग एंड लेट्स सी, वी विल ट्राई एंड मेक इट एक्साइटिंग। अब ये तो समझ आ गया है कि चोराओ आइलैंड में करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं वापस आया अपने विला,
थोड़ा मैंने स्ट्रेचिंग की, थोड़ा वर्कआउट किया, थोड़ा योगा किया, और उसके बाद एक अच्छा सा शावर लिया। और शावर लेते वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि जल्दी से तैयार होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि अगर चोराव आइलैंड में हम बैठे रहे तो भाई सिर्फ बोर होंगे, तो इस आइलैंड से निकलते हैं और आपको कहीं लेकर चलते हैं। बैक टू स्क्वायर वन। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चोराव आइलैंड में इतना बोर होने के बाद मैं आ गया हूँ अपनी फेवरेट जगह। जी हाँ, जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं वो जानते हैं कि मेरी फेवरेट जगह गोवा में कौन सी है। माई फेवरेट बीच फॉर सनसेट, बट आई मिस द डैम सनसेट अबाउट आई थिंक बाई 10 मिनट्स। सो इट काइंड ऑफ मेड टोटल सेंस, वहाँ पे बहुत बोर हो रहा था, सो इट मेड टोटल सेंस टू कम टू माई फेवरेट बीच टू से गुड बाय टू दिस गोवा ट्रिप। वहाँ पे थोड़ा सैड हो गया था, काफ़ी सैड हो गया था, मतलब कुछ था ही नहीं। हाउ मच डू यू बी इन द विला इटसेल्फ, नॉट रियली मच, सो आई जस्ट हैड टू गेट आउट। आई थॉट वागातोर जाऊँ या यहाँ हूँ, वागातोर जाता तो कोई ना कोई मिल जाता, वो भी मेरा उतना मन नहीं था। तो आई जस्ट केम हेयर टू अश्विम बीच। आई थॉट अच्छा सनसेट दिख जाएगा, बट नो प्रॉब्लम, आई स्टिल मेड इट ऑन टाइम। सनसेट तो नहीं दिखा, बट ठीक है, अब थोड़ा सा वॉक करूँगा। अब सूरज तो ढल ही गया था, और सूरज के ढलने के साथ साथ मैं भी सोच रहा था कि आगे क्या किया जाए। तो मैंने थोड़ी देर बिताई अश्विम बीच के एक शैक पर, और फिर वहाँ से मैं गाड़ी में बैठ के निकल गया एक ड्राइव के लिए आरंबोल की तरफ। और वहाँ पे मैंने स्पॉट किया सिप्पी को। और गोवा की यही खूबसूरती की बात है कि हर कोने में ना आपको कुछ ना कुछ ये कूल चीज़ें दिखती ही रहती हैं। फिर वहाँ से मैं आ गया शियोलेम, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने रेकमेंड किया था एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है पंडारा स्ट्रीट, और बोला था अगर आपको दिल्ली का मशहूर चंगेजी चिकन खाना है तो भैया यहाँ जाना ही पड़ेगा। तो हम आ गए हैं शियोलेम पंडारा स्ट्रीट। तो ये था न्यू ईयर ब्लॉग और आज की बेस्ट हाईलाइट, जो मैंने चंगेजी चिकन जो खाया एट पंडारा स्ट्रीट। छोटी सी जगह है, लेकिन द चिकन वॉज अ सॉलिड 10 out of 10। पनीर लबाबदार उतना अच्छा नहीं था, लेकिन चंगेजी चिकन बहुत अच्छा था। इस चिकन के बारे में मैंने बहुत दिल्ली वालों से सुना हुआ है, करोल बाग का फेमस है ये चंगेजी चिकन। मैंने दिल्ली में कभी नहीं खाया था, आज पहली बार खाया, एंड आई लव्ड इट। सो एंडेड दिस गोवा ट्रिप ऑन अ रियल, यू नो, फूड गैजम ऑन अ रियल हाई। बाकी चोराओ आइलैंड की बात करते हैं तो मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि भाई चोराओ आइलैंड मत जाना। चोराव आइलैंड में करने के लिए कुछ भी नहीं है। इफ़ आई लुक एट इट, आई थिंक आई हैव वेस्टेड माई पास्ट 2 days। कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो क्या बोलूँ। मंदिर हैं काफ़ी सारे, वो भी मेरे को तो एक्साइट करता नहीं है। आप अगर गोवा हो गए और वो भी मंदिर देखने, तो आई डोंट थिंक दैट मेक सेंस, तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी कुछ आसपास भी कुछ है नहीं। मैं जैसे पहले दीवार आइलैंड गया हुआ हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वहाँ तब भी बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, बट यहाँ पर एब्सोल्युटली कुछ नहीं है। आसपास भी ना कोई अच्छी, तो क्या कोई ढंग की चीज़ भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर हो, आप फिर डेली पंजिम की तरफ ही जाओगे। अब आज मेरे मुझे देख लो, मेरा मन था कि आराम से हैव सम मी टाइम, सम पीस और वो सब, लेकिन एक दिन के बाद बोर हो गया और सीधा कहाँ गया, वापस मैं चला गया अश्विम बीच, वापस आ गया वागातोर साइड, वापस उधर ही चला गया, कल पंजिम चला गया था। तो वही है, कुछ भी अगर होता टू ऑक्यूपाई मी तो मैं यहाँ रहता। बट हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव द बेस्ट बेस्ट 2024, एंड आई होप आई हैव द बेस्ट 2024। और तो ये था नया साल का ये पहला व्लॉग, और खूब सारे आते रहेंगे। तो जैसे कि आपने पिछले साल मैंने अपने व्लॉगिंग की ये जर्नी शुरू की थी 2023 में, आपने बहुत प्यार दिया था, आप लोग बहुत इंकरेज कर रहे हो, तो प्लीज़ कीप द इंकरेजमेंट ऑन, प्यार देते रहिए, और मैं ढेर सारे व्लॉग्स इस साल भी और आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। चोराव आइलैंड शुड नॉट बी ऑन आइटिनरी, आपकी वेकेशन लिस्ट में होना ही चाहिए, और अगर ऐसी लिस्ट है उसको उठाओ और फेंक दो, क्योंकि और बहुत चीज़ें हैं गोवा में करने के लिए, जो मैं आगे भी जब अगली बार गोवा आऊँगा तो आपको बताऊँगा। बस अब कल जा रहा हूँ वापस मुंबई, और होप करते हैं कि मुंबई में एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स मेरे लिए वेट कर रहे हैं। टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।
हैप्पी न्यू ईयर।